गाजियाबाद के कोर्ट रूम के अंदर वकील और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिसमें कई वकील घायल हो गए हैं। घायल वकील ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक जमीन के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी जिला जज और वकीलों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वकील और पुलिस आपस में भिड़ गए। मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था, वहाँ पे एक केस को लेकर जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता। और उसके बाद में DCP राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर वकीलों से कहा कि या तो कोर्टरूम खाली कर दिया नहीं तो लाठी चार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में DCP राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठी चार्ज कर दिया। वहीं DCP राजेश ने मेरे पिताजी को पकड़ के गिराया जमीन पे, जिनको बचाने के लिए जब मैं गया हूँ तो पुलिस ने मेरे कोहनी पे, मेरे सिर में, मेरी कमर पे, मेरी टांगों पे डंडे बरसाए। जब मेरे सिर से खून निकला है, मेरी कमर में सूजन है, मेरे पैर में सूजन है और मेरी कोहनी फटी हुई है। वहाँ बहुत वकील थे, क्योंकि दरवाजा छोटा था, बाहर भी पुलिस थी, अंदर ही पुलिस थी। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जज ने प्लान करके DCP के राजेश के साथ मिलकर काम किया और वो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं, डाइस पे खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूँगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटिव बेल है उसमें आप फैसला करिए, या सुनिए या डिसमिस कीजिए, तो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उनको जान पूछ के इंटरिम बेल दे रखी है और दो बार इंटरिम बेल बढ़ा रहे हैं। वो वकीलों का ऐसे भी कहना था या तो आप सुन लीजिए या किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो कहते हैं ना मैं सुनूंगा ना मैं कोर्ट में ट्रांसफर करूंगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। और विदेश में आके अपना गाउन उतारते हैं, उनसे डिमांड, हमें डिमांड करते हैं कि वो CCTV कैमरे की फुटिंग लगाई जाए डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट की, वहाँ पता लगेगा। पुलिस ने वकीलों के ऊपर कुर्सियां मारी है, पहले भी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये DCP जो राजेश है ये कह रहा है कि मैं तुम वकीलों को क्योंकि बार के लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। ये धमकी दे रहा है, ये धमकी दे रहा है, वो सबक सिखाऊंगा। ऐसा क्या मामला था कि पुलिस को लाठी चार्ज कराना पड़ा कोर्ट रूम के अंदर? वकील अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा लाउड हो गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज भी लाउड था, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज करेगी डू डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रूम के अंदर? बाहर समझ में आता है, खुले में समझ में आता है, वहां पर क्या जरूरत पड़ रही थी? इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है तो यहाँ का जिला जज है। जिला जज का व्यवहार कभी भी वकीलों के प्रति, चाहे कितना भी सीनियर वकील है, कितने भी जूनियर वकील है, उनके प्रति हमेशा गलत रहा है, दुर्भावपूर्ण रहा है। हमेशा जैसे बदतमीजी होती है, जिला जज एक अधिकारी ना होकर ऐसा व्यवहार डाइस पे बैठ कर करता है जैसे कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति हो। जिला जज को मर्यादा जो कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखते, और आज भी उन्हीं की वजह से सब ये सब हुआ है। उन्हें इस तरह से जो व्यवहार किया, उन्होंने कोट उतार के फेंक दिया, उन्होंने बैंड उतार दिया कि आजा मैं नीचे आ रहा हूँ, इस तरह से फाड़ दिया, कोट उतार के फेंक दिया, इस तरह से ये भी एक कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। कोर्ट की उन्होंने अवमानना की है और इस तरह से वकीलों को उन्होंने उकसाया है कुछ करने के लिए। अब निश्चित रूप से जब तुम गाली दोगे, ऊपर खड़े होकर तुम दुर्व्यवहार करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। उसकी प्रतिक्रिया हुई, फिर पुलिस को बुला के पुलिस से लाठीचार्ज कराया, तो ये निंदनीय। आज जिला जज का जो कार्य है ये निंदनीय कार्य है। सर अगर वीडियो की बात करें, वीडियो दिख रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर ही पुलिस वकीलों पर हाथापाई लाठीचार्ज कर रही है, तो ये उसी की शैपे हुआ है ना, जिला जज की शैपे हुआ है। उसने मिसगाइड पुलिस को किया, पुलिस ने आके ये सब किया है बिना किसी बात की इंक्वायरी किए, बिना किसी जांच के। भाई वकील अगर कचहरी में नहीं होगा, कोर्ट रूम में वकील नहीं होगा तो कौन होगा? वकील तो निश्चित रूप में आज कचहरी में लगी रहती हैं, उस समय बेल लगी रहती है, जमानतें लगी रहती हैं, तो 50-60 वकील तो हर समय जिला जज के कमरे में रहता ही रहता है। और उसे इस तरह से काम छोड़ के चले जाना, इस तरह से जिला जज को बदतमीजी करना, ये मर्यादापूर्ण नहीं था। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BMSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120
भी के तहत कायम हुआ थाना कवि नगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग DJ साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नार सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली DJ साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, DJ साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स DJ साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुँचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।